हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और अपनी बगिया में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा अपने जो मेरा किचन गार्डन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मैंने कौन कौन सी चीज़ों को अपनी किचन गार्डन में ग्रो किया है, तो आप भी इसमें से कुछ ग्रो करें। और ये आसानी से ग्रो हो सकती हैं, और अगर आपको नहीं आता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप मेरी वीडियो देख सकती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं ग्रो करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ। जब भी ग्रो करती हूँ तब भी मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप अपने बगिया को इस मेरे चैनल से सब कुछ जो मैंने ग्रो किया हुआ वो ग्रो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ये है मेरी कद्दू की बेलें। ये मैंने कद्दू की बेलें लगाई हैं। देखिए कितनी बेलें लगाई हैं और इसमें फूल भी आने लगे हैं। ये देखिए इसमें फूल भी आने लगे हैं। तो अब जब इसमें फूल आने लगे हैं तो इसके बाद इसमें घिया जो है, कद्दू जिसे कहते हैं हम, वो भी लगने लग जाएगा। इसके बाद देखिए ये मैंने लगाया हुआ है मक्का। तो मक्का जो है ये भी हमें आगे भी मैंने लगाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। तो मक्का भी हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये है सूरजमुखी के प्लांट्स, ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, ये मैंने खुद ग्रो नहीं किए। इसके बाद ये है मेरे पास संतरी, जो हमारी गाजर होती है वो लगाई हुई है मैंने। और इसके साथ ही मैंने ये देखिए नीम का पेड़ लगाया हुआ है। और यहाँ पर मैंने मौसम्मी का पौधा है, और देखो यहाँ पर भी मेरी बेलें जा रही हैं। और यहाँ पर मैंने बैंगन, आप देख सकते हैं बैंगन तो मैंने बहुत ज़्यादा और जगह जगह पर लगाई हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है मेरी बाढ़ करेला, जो बस मैंने एक बार ग्रो किया था और ये अपने आप भी हर समय निकल आता है, बार बार इसके मुझे सीड नहीं डालने पड़ते। और इस पेड़ पर इसकी बेल चढ़ जाती है अपने आप और मुझे बहुत सारे बाढ़ करेले देती है। ये देखिए ये भी नीम का पौधा है। ये नीम के पत्ते जो है बहुत लाभदायक होते हैं और हम इसको धो के चबा सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये देखिए ये फिर मैंने यहाँ पर मक्का बीजा हुआ है साइडों पर, ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैंगन बीजे हुए हैं। ये बैंगन मैंने तीन तरह के बीजे हुए हैं, ये ब्लैक वन भी, वाइट भी और ग्रीन भी। और देखिए यहाँ पर मैंने मिर्च ग्रो की हुई है। देखिए ये मिर्च है, मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं, काफ़ी सारे मिर्च के पौधे हैं ये देखिए। और इसमें से मिर्चें भी निकलनी शुरू हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सारे मेरे मिर्च के पौधे हैं। और ये मेरे शिमला मिर्च है, ये मेरी शिमला मिर्च है। ये मेरा एलोवेरा है, एलोवेरा के पौधे भी लगाए हुए हैं। ये है मौसम्मी का पेड़, इसकी कल परसों ही मैंने इस मौसम्मी के पेड़ की मैंने कल परसों ही इसकी वो की है, कटिंग की है। देखिए अब कितना अच्छा बन गया है। तो इसके पत्ते मैंने इसकी इसमें ही डाल दिए, इसकी क्यारी में ये सूख जाएंगे और ये खाद का रूप धार लेंगे। ये मेरा नींबू का पौधा है, नींबू का छोटा पौधा, इसकी भी कटिंग की थी मैंने, वीडियो भी डाल लिया, क्योंकि हमें कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग करेंगे तभी पौधा और ग्रो होगा। और ये मेरा सुहाजना का, देखिए कितना बड़ा पेड़ बन गया है, ये मैंने खुद बनाया था, लगाया था। ये मेरी फलियां, चौला फली जो कहते हैं, तो ये आप देख रही हैं। ये है मेरी बेरी, ये मैंने जो हम बेर खाते हैं प्योंदी बेर बाज़ार से लेकर आते हैं और खाते हैं हम, उसकी गिटकें डाली थी और यहाँ पर ये ग्रो हो गया। ये है मेरी ब्रोकली,
ब्रोकली भी मैंने ग्रो की हुई है। मैं हर एक सब्जी को ग्रो करती हूँ, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो मैं ग्रो नहीं करती। तो हम आप भी मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक सब्जी को ग्रो कीजिए और उसको ऑर्गेनिक जो सब्जी है उसको आप खाएं। और ये है मेरा बैंगन का पौधा और ये साइडों पर मैंने टमाटर लगा दिए हैं। ये टमाटर के मेरे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप कितने टमाटर इसमें लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये भी ग्रीन है तो रेड होंगे तो मैं इनको काट लूँगी। और ये भी बैंगन का पौधा है। टमाटर के पौधे बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पर भी गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं मेरे, बहुत सारे टमाटर के बूटे लगाए हुए हैं। और ये सब बूटे मैंने खुद अपने घर में इसकी पौध बनाई है, इसमें मैंने कोई भी पैसा नहीं खर्च किया। देखिए यहाँ पर भी टमाटर के पौधे हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे ये देखिए ब्रोकली है, वहाँ पर भी ब्रोकली है। और ये आपको मैं दिखाती हूँ, इसके साथ ही देखिए ये मेरी भिंडी है। देखिए अभी छोटी छोटी हैं भिंडी और अच्छी निकल रही है, ये सभी मेरे भिंडी के प्लांट्स हैं। ये भी भिंडी है। तो यहाँ पर मेरी है मूंगफली, देखिए आप ये देखेंगे मूंगफली, जो कच्ची मूंगफली होती है उसको हम ग्रो कर सकते हैं, उसको हम मिट्टी में दबा देंगे तो हमारे पास मिल जाएगी। और ये है मेरी सौंफ, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो भी बनाया था और इसको हार्वेस्ट भी किया था। ये मेरे चिट्टे बैंगन, ये ग्रीन बैंगन है, ये मूंगफली और ये चोला फली यहाँ पर ग्रो की हुई है। ये मेरे देखो बीच बीच में मैंने ये ग्रो कर रखे हैं मक्का, ये फिर बैंगन है। और देखिए ये है मेरे पपीते के पौधे, ये भी मैंने खुद ही ग्रो इसको वो किया है, पौध बनाई है इसकी, जो सीड हम घर से जो खाते हैं पपीता उसमें से निकलते हैं तो उसके मैंने देखिए कितने पौधे, ये देखिए, ये देखिए, और ये मेरी है चोला फली। और ये मेरा है इमली का पौधा, ये गेंदा के लगाए हुए हैं। और ये मेरे नींबू लगे हुए हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े नींबू लगते हैं, मोटे मोटे और बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है मेरा अनार का पौधा, देखिए अनार है, ये मैंने इस पर कपड़ा और लिफाफों से इनको बांधा हुआ है क्योंकि ये अनार जो है वो गिलहरी खा जाती है, नहीं तो मुझे तो कुछ फिर मिलता ही नहीं, तो इसलिए मैं इस पर बांध देती हूँ। और ये है मेरा चुकंदर, देखिए ये चुकंदर है, वहाँ आगे भी मैंने लगाया हुआ है। ये पालक है और यहाँ पर मैंने ये करेले की बेल चढ़ाई हुई है जो ऊपर इस पर चढ़ जाएगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए धनिया भी ग्रो किया हुआ है, ये करेले की बेल ऊपर चढ़ गई है इस पर और ये करेले अच्छे करेले देगी। और इसके बाद देखिए ये है मेरे फूल गेंदे के, ये भी मैंने खुद अपने जो पौध बनाकर खुद ही लगाए हैं। ये है पुदीना और ये मेरे सदाबहार का जो है बूटे लगाए हुए हैं। तो ये मेरी मिर्च देखी ग्रो हो रही है, ये फिर मैंने क्या लगाया हुआ है चोला फली, ये टमाटर के पौधे हैं देखो, यहाँ से ये बेल के रूप में ऊपर को मैंने चढ़ा दिए हैं। ये नीम का पौधा है, ये देखिए मैंने क्या बनाया है, ये मैंने पौध बनाई है, ये मेरी पपैया की पौध है, तो यहाँ से ही मैंने वहाँ पर ट्रांसप्लांट किया है। ये है मेरे ये चुकंदर के पौधे, ये मेरी देखिए ये है वो जो होती है हमारी ग्वार फली लगाई हुई है। तो आप कहेंगे सब कुछ लगाया हुआ है, सच में सब कुछ ही लगाया हुआ है। ये मेरा मौसम्बी का पेडू, पिछली बार बहुत मौसम्बी लगी थी, ये देखिए मक्का, इसमें छलियाँ भी आने लग शुरू हो गई हैं। और ये देखिए ये मेरी चोला फली है, देखिए
सूख लिए चौला फली। ये मैं अभी तोड़ूंगी जहाँ से मक्का और चौला फली जहाँ लगाई हुई है। ये मेरे अमरूद के पेड़ है, देखो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और जल्दी ही इसमें देखिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है। दो पेड़ है यहाँ पर, एक उधर है, तीन पेड़ है मेरे पास। एक सीडलेस का है और एक बड़े उसका है और एक रेड अमरूद का है। ये देखिए ये फिर चुकंदर लगे हुए हैं और ये पुदीना लगा हुआ है मेरा। ये मेरे गुलाब के फ्लावर्स का इतना बड़ा बूटा है और इसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग की है, वो देखो कटिंग के गिरे हुए। ये है मेरी नारंगी, इसमें से नारंगी अभी मैंने तोड़ी भी है। ये पपया जो मैंने अपने सीड से ही बनाया है घर पर ही, ये तोरी लगाई हुई है। ये फिर गुलाब का पौधा है और ये मेरा नींबू का पौधा है। देखिए नींबू भी लगे हुए हैं और नींबू भी लग रहे हैं देखिए यहाँ पर। और ये मेरी है फलियों दूसरी फली है जो होती है जिसे हम फ्रेंच बीन कहते हैं, ये वाली फलियाँ हैं। ये मैंने मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं और ये फिर मेरा एक रेड उसका अमरूद का पेड़ है। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे टमाटर लगे हुए, देखिए अभी ग्रीन है तो टमाटर के पौधे यहाँ पर लगाए हैं। ये अभी लगाया कुछ दिन पहले मैंने नींबू का पेड़ छोटा सा। और ये फिर मिर्च लगी हुई है और ये मेरा अर्जुन का पेड़ है, यहाँ पर भी अर्जुन का पेड़ है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना कुछ लगाया हुआ है और सब कुछ मैं खुद ही मेंटेन करती हूँ, कभी कोई माली नहीं लेकर आया, कभी भी नहीं, मैं खुद ही मेंटेन करती हूँ और खुद ही उनकी वीडियो बनाती हूँ। और आपको देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए ये अनार कितने लगे हुए हैं यहाँ पर, इनको अभी मैंने लिफाफे में पैक करना है नहीं तो गिलहरी खा जाएगी। सो इसमें से कई चीज़ें रह भी गई होंगी लेकिन मोस्टली मैंने कवर कर ली है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।